हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी में। और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12th 10th, जो हिंदी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। जी हाँ, ये परीक्षा के लिए, और इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, बिल्कुल आप मत छोड़िए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप तो जरूर से जरूर पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए इस जीवन परिचय को। मैं कल जो जीवन परिचय बताया था, वो किसका जीवन परिचय था? वो आपका जीवन जो परिचय था वो था जयशंकर प्रसाद त्रिवेदी जी का। रस में मैंने सारा सारा रस पढ़ा दिया, केवल एक ही रस बचा हुआ है, शांत रस, उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद रस वाला मेरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद हम अलंकार चालू करेंगे। यहाँ पे जीवन परिचय आपका चल ही रहा है, हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद आपका निबंध चला देंगे। तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके सारा का सारा हम हिंदी वाला टॉपिक जो है ख़त्म कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। मतलब एक भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं, सारा का सारा करना है। जितने भी रहेंगे ना, हर एक प्रश्न को, हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप अच्छा नंबर स्कोर करें। मेन टारगेट है ही हमारा कि अच्छा नंबर स्कोर करवाना। आपको अच्छा नंबर स्कोर करेंगे तो नाम होगा कि हाँ, एस के एम स्टडी यूट्यूब चैनल से पढ़ के हमने अच्छा नंबर स्कोर किया, तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ा दिए, वो बोर्ड में आए नहीं, तो मतलब क्या है पढ़ाई से? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ाएंगे जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। तो ये है जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। आखिरकार महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग आज अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, किसी का भी जीवन परिचय लिखने से पहले आप लोग उनके जन्म तिथि के बारे में और उनके पिता का नाम, अगर महिला है तो उनकी शादी किससे हुई थी और उनकी मृत्यु और उनकी पढ़ाई, बस ये चार पांच चीज अगर आपको याद है तो आप किसी का भी जीवन परिचय अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। अगर ये दो तीन चीज अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आपको याद नहीं है, तो आप चीजों को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वाली है, इसको बिल्कुल आपको याद रखनी है और इन चीजों पे आपको काम करना है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से क्या करना है? काम करना है। चलिए, तो यहाँ पे है श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इसका PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे इसका जो लिंक है मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सारी PDF नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे हर क्लासेस की। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पे सारे PDF लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में नोट्स। तो आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 रख रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1000 वीडियो लाइक टारगेट जरूर से जरूर करवा देंगे। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। श्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में, किस में हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। किसन में? 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा के पिता का नाम क्या था? तो महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, गोविंद प्रसाद वर्मा था। महादेवी वर्मा के पिता का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। महादेवी वर्मा की आरंभिक शिक्षा जो है कहाँ पे हुई थी? तो महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा जो हुई थी वो हुई थी आपकी इंदौर में हुई थी। सन 1916 में इनकी शादी रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। सन 1916 ईस्वी में महादेवी वर्मा की शादी किससे हुई थी? तो सन 1916 में महादेवी वर्मा की शादी रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। विवाह के बाद महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक, MA तथा MF की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी। विवाह के बाद क्या उत्तीर्ण किए थे? तो विवाह के बाद वर्मा जी ने मैट्रिक, MA तथा MF की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी। किसके बाद? विवाह के बाद। विवाह किससे हुआ था? रूप नारायण वर्मा से।
पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा था। आरंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? इंदौर। इंदौर कहाँ पे है आपका? इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर कहाँ पे है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वर्मा जी ने मैट्रिक, एमए तथा एमएफ की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी। महादेवी जी यूपी विधान परिषद की सदस्य भी रही थी। और महादेवी वर्मा जी इसके साथ क्या थी? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी विधान जो परिषद है इसकी सदस्य भी रह चुकी थी। किसकी? यूपी विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य कौन रही थी? महादेवी वर्मा जी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया था, यानी भारत सरकार ने इन्हें किस पुरस्कार द्वारा अलंकृत किया था? वो किया था पद्म भूषण अवार्ड से। पद्म भूषण अवार्ड किसको दिया गया था? महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि एक जीवन परिचय लिखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले जन्म स्थान कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। जन्म दिन यानी कि उस वर्ष क्या था? 1907 ईस्वी। पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी रूप नारायण वर्मा से। आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश से। विवाह के बाद इन्होंने मैट्रिक परीक्षा की, मैट्रिक मतलब कक्षा 10वीं 12वीं। उसके बाद एमए किया, साथ ही साथ एमएफ की परीक्षाएं भी इन्होंने पास की थी। महादेवी वर्मा जी और क्या थी? यूपी विधान परिषद की सदस्य भी रही थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया था, यानी कि अवार्ड से सम्मानित किया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? श्रीमती महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1887 ईस्वी में हुई थी। श्रीमती महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1887 ईस्वी में श्रीमती महादेवी वर्मा जी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? सन 1887 ईस्वी में हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? श्रीमती महादेवी वर्मा जी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? सन 1887 ईस्वी में हुई थी। अब बात करेंगे साहित्यिक योगदान के बारे में। तो इनके साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे? आप सीधा लिख देना है, ये छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। शुरू में ये सुर तुलसी मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी। और महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना करना भी शुरू कर दिया था। करुणा तथा भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। किसके? महादेवी वर्मा जी की। तो ये तो इनका जीवन परिचय रहा। महादेवी वर्मा जी का क्या था? जीवन परिचय था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करेंगे। इनके कौन कौन सी ऐसी प्रमुख रचनाएं थी? ये प्रमुख रचनाएं थी, इनको याद कर लीजिएगा। काव्य निहार में, जैसे इनका निहार था, काव्य में निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, यामा इत्यादि इनके काव्य थे। निबंध संग्रह कौन कौन से थे महादेवी वर्मा जी के? स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र, चलचित्र इत्यादि इनके निबंध संग्रह थे। आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से थे? हिंदी का विवेचनात्मक गद्य जो थे इनका आलोचनात्मक गद्य था। तो ये है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इसमें साहित्यिक परिचय साथ साथ इनकी प्रमुख रचनाएं भी हम लोग देखे हैं। वीडियो लाइक टारगेट 1000 है और मैं आशा करता हूँ आप लोग 1000 वीडियो लाइक टारगेट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें वीडियो को। और जितने भी जीवन परिचय मैं सारा सारा जीवन परिचय आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।